कंपाउंडर द्वारा लापरवाही हुई है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। कंपाउंडर जो है आमेड में उनकी गौर लापरवाही का नतीजा है। तो ये मामला पूरा हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही का मामला है। प्रशासन चिकित्सालय का प्रशासन जो है वो बिल्कुल लापरवाही, गौर लापरवाही है। इनकी सैलरी ले रहे हैं, खाली खा पी के मौज उड़ा रहे हैं। दोषी है, जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इनको खाली पैसे से लेना देना, इनको 10,000 रुपये दे दो, अभी तो बॉडी वगैरह सब डीप फ्रीज में भी चली जावे और जिंदा मरा हुआ आदमी को ये जिंदा कर देवे, 50,000 दे दो तो। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज मैं आरके जिला चिकित्सालय के बाहर खड़ा हूं और यहां पर जोर ग्राम पंचायत के ग्रामीण हैं, साथ ही ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के लोग यहां एकत्रित हुए हैं। उनकी मुख्य रूप से मांग है आमेट अस्पताल में एक प्रसूता की मौत को लेकर सभी लोग आक्रोशित हैं। अभी जिला चिकित्सालय के बाहर एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं कुछ लोग धरने पर बैठे हैं तो कुछ आक्रोश जता रहे हैं। और पहले सभी लोग मुर्दागढ़ के बाहर एकत्रित थे, अब आरके जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हैं। दूसरी तरफ कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर विशेष पुलिस जाब्ता भी यहां तैनात हैं और खास तौर से राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव और कांकरोली थाना प्रभारी के साथ विशेष पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात हैं। ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के योगेश पुरोहित के साथ ही विभिन्न समाज के लोग यहां पर एकत्रित हैं और उनकी मुख्य रूप से मांग है कि प्रसूता का जो निधन हुई है उसको लेकर सब सख्त कार्रवाई हो आरोपियों के खिलाफ। उसमें मुख्य रूप से जोर निवासी राजकुमारी शर्मा के प्रसव पीड़ा होने पर आमेट स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां बताया जा रहा है कि प्रसव हुआ, लेकिन लोगों का ये आरोप है, परिजनों का आरोप है कि कंपाउंडर द्वारा उसकी डिलीवरी करवाई गई थी, जिसके चलते जिसमें लापरवाही रही और इसके चलते काफ़ी ब्लडिंग हुई और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। ये साहब आगे जोर के है अजय जी शर्मा, वहाँ की पत्नी है या राजकुमारी, तो ये डिलीवरी है साहब, इन्हें आमेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लेन गया, तो डिलीवरी के समय कोई कंपाउंडर है तो उसने जो डिलीवरी कराई भी डिलीवरी में की गौर लापरवाही सामने आ रही, भाई इन्हें गलत तरीके से डिलीवरी कराऊँ, ब्लीडिंग ज़्यादा वेगी हुई के और भी काफ़ी समय तक ऊपरले मेन डॉक्टर साहब ने भी बताया नहीं हो, लेकिन बाद में जल्दी डॉक्टर साहब आन देखिए तो हालत गंभीर ही, और डॉक्टर साहब आते ही तुरंत इन्हें आर के में रेफर की दी, रेफर करवा के बाद में जो परिवारजन है आर के में लेन आया अटे की डेथ हुई की। अब माँ गांव वाला और सब के समाज वाला भी लोग आए लगा है और माँ पूरी तरीकों एक पक्ष में खड़ा वहाँ सब जना भाई जो लापरवाही की दी है वे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुए और विन्हें उचित और बर्खास्त करो जाए तुरंत प्रभाव और वो पीड़ित परिवार ने उचित मुआवजा दिलाया जाए सरकार की तरफ को। अब जो लोग बात कह रहा है और सुनवा मेरो है भाई उसने गलत तरीके से जो ऑपरेशन किया है और जिससे उसकी नस फट गई और ब्लीडिंग ज़्यादा होने से उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर वगैरह भी रहे गए नहीं? हाँ डॉक्टर साहब जो डॉक्टर लोग बताए वो जो देखूँ जो पतो लाग रही है और जो डॉक्टर लोग जो बातचीत की थी वको माना वो पतो लाग रही हो भाई कि ज़्यादा ब्लीडिंग हुई उनकी डेथ हुई है। अब मुख्य मांग कही है? मुख्य मांग है इसे पीड़ित परिवार ने साहब 50 लाख को मुआवजा देवे और जीबीजी लोगों की जो लापरवाही है वहाँ तुरंत प्रभाव में बर्खास्त किया जाए। शांतिलाल तिवारी। घटनाक्रम सर ये था कि हमारे समाज के बहन बेटी की डिलीवरी थी, जो उनके परिवार के 2-3 लोग आमेट चिकित्सालय लेके गए, तो वहाँ पर जो वर्तमान में कंपाउंडर साहब थे उन्होंने उनका इलाज कराया, डिलीवरी करी, डिलीवरी करने के बाद ब्लडिंग चालू हो गई तो भी उन्होंने 2 घंटे तक उनको वहाँ भर्ती रखा और आश्वासन देते रहे कि ठीक है डिलीवरी हो गई है, नॉर्मल है, उन्होंने रेफर नहीं करा। और जब पल्स डाउन होने लगी तब वहाँ जो गायनिकी के डॉक्टर थे उनको बुलाया उन्होंने
उन्होंने देख के बोला कि भाई गंभीर मामला है, आप आरके हॉस्पिटल रेफर कर दिया। रेफर करा तो वह जब वहाँ से लाते समय उनकी स्थिति डेथ के समान हो गई थी, और यह आरके में हम इमरजेंसी में लेके आए। तो इमरजेंसी में लाने के बाद में जहाँ यहाँ पर जो वर्तमान में डॉक्टर थे उन्होंने बोल दिया कि डेथ हो गई है इसकी। तो वो जोर गांव के निवासी हैं, राजकुमारी उर्फ राधा शर्मा नाम था उस लड़की का। उसके एक बच्ची पहले से है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे समाज का यही है कि उनको आर्थिक मुआवजा दिलाया जाए, और जिस कंपाउंडर द्वारा लापरवाही हुई है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। क्या लापरवाही लग रही है आपको? लापरवाही ये लग रही है सर, पहली बात तो ये कि जब डिलीवरी के लिए वहाँ लेके गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, गायनिके के डॉक्टर आने चाहिए थे, वहाँ डॉक्टर वर्तमान में मौजूद नहीं थे, तो उनको रेफर कर देना चाहिए आरके हॉस्पिटल उदयपुर के लिए। तो उन्होंने रेफर क्यों नहीं करा जब उनको ऑथराइज नहीं है कंप्यूटर को डिलीवरी कराने की? तो उन्होंने डिलीवरी कराना नहीं चाहिए था। हमारी तरफ से यही लापरवाही है उनकी कि भाई जब ब्लडिंग चालू हो गई लापरवाही करी है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। ये कंपाउंडर जो है अमेठी में उनकी घोर लापरवाही का नतीजा है। अब अगर डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पे कम से कम डॉक्टर को रहना चाहिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो डॉक्टर की मौजूदगी में वो काम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार डिलीवरी हो रही थी, उनकी डिलीवरी पूर्व में हो चुकी है, उनके 3-4 साल का बच्चा बच्ची है पहले से। जिस प्रसूता की मृत्यु हुई है उसके 3-4 साल पहले भी डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है। इस स्थिति में जब उनकी मृत्यु की स्थिति आ गई तो उन्होंने बोला इसको रेफर कर दो, और रेफर में भी आप ब्लडिंग बंद नहीं कर रहे हो, आप ऐसे के ऐसे ही कार में रख रहे हो, और यहाँ लाने के बाद में भी इसको डी फ्रीज दिया जाए वगैरह। अगर मौत हो गई तो डी फ्रीज, रात भर घर वाले परेशान होते रहे, इनको डी फ्रीज नहीं दिया गया। सुबह मैं 9 बजे आया तो इनको डी फ्रीज दिलवाया, रात भर बॉडी बाहर पड़ी रही। प्रशासन, चिकित्सालय का प्रशासन जो है वो बिल्कुल लापरवाही, घोर लापरवाही है। इनकी सैलरी ले रहे हैं, खाली खा पी के मौज उड़ा रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है मरीजों से। मरीज को यूँ समझ, वस्तु समझ रखा है, कोई चीज़ होती है इधर रख दी, इधर रख दी। आत्मा इनकी मर चुकी है, इन डॉक्टरों की, इन कंपाउंडरों की, और जितना भी ये चिकित्सालय पूरा विभाग है, इनको खाली पैसे से लेना देना। इनको 10,000 रुपये दे दो, अभी तो बॉडी वगैरह सब डीप फ्रीज में भी चली जावे, और जिंदा मरा हुआ आदमी को ये जिंदा कर देवे 50,000 दे दो। ये खाली पैसे के लेन देन कर रहे हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। प्रशासन को इन पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए इस कंपाउंडर पर, और मर्डर का केस चलाना चाहिए इस पर। यहाँ पे जो सब रखा था मोर्चरी में उस समय रात को डीप फ्रीज में, रात पूरी रात ये हमारे इनके परिवारजन रोते बिलखते रहे, और इनको बोला डीप फ्रीज दो, इन्होंने नहीं दिया। सुबह मैं 9 बजे आया, मैंने गेट खुलवाया, डीप फ्रीज 10 फ्रीज खाली मैंने देखे आंखों से, 10 फ्रीज खाली पड़े हुए थे, यूनिक एक भी भरा हुआ था उसमें से। फिर बॉडी को अंदर रखा हमने। अब क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग ये है, इनके पति मजदूरी करते हैं अहमदाबाद में, गरीब परिवार है, आज इनके बच्चा है, एक बच्ची पहले से है, तो उनकी पालन पोषण के लिए सरकार को जिम्मेदारी, इनकी शिक्षा वगैरह फ्री मुफ्त में इनको दिलाई जाए जब तक जिए इंधन तक इनको, और मुख्यमंत्री से जो भी इनको लाभ मिल सके योजनाओं से उनको लाभ दिलाया जाए, और इस कंप्यूटर को सजा मिले। क्या मामला है सर? अमेठ जोर गांव के जो निवासी है, ब्राह्मण समाज की बहन बेटी है, उनको डिलीवरी के लिए अमेठ चिकित्सालय में ले जाया गया था, और वहां पर चिकित्सक की अनुपस्थिति में कंपाउंडर के द्वारा उसका इलाज किया गया, और जब ब्लड बहुत अधिक मात्रा में बहने लगा तब भी उन्होंने लापरवाही करी और उसको रेफर नहीं किया, ब्लड निकलता रहा। फिर एक आपाधापी में उन्होंने, उनको लगा कि अब इसकी जान जाने वाली है, तब उन्होंने वहाँ से इसको रेफ़र किया, और फिर यहाँ आरके हॉस्पिटल में रेफ़र किया, और यहाँ आते ही उसकी डेथ हो गई। तो ये मामला पूरा हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही का मामला है। इस लापरवाही के कारण से हमारे समाज, ब्राह्मण समाज की बहन बेटी की आज मृत्यु हुई है,
और घोर अपराध चिकित्सालय के द्वारा चिकित्सा कर्मियों के द्वारा किया गया है। मैं युवा प्रमुख मेवाड़ के माध्यम से प्रशासन को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जो घटनाक्रम में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जांच हो और उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और जो परिवार, जो पीड़ित परिवारजन है, गरीब परिवार है, उस परिवार को एक मुआवजा, उचित मुआवजा मिले उनकी क्षतिपूर्ति के लिए। अभी तहसीलदार साहब आए तो क्या समझाइश जरूरी है, क्या किस बात को? तहसीलदार जी ने बताया कि आप हम पूरी मदद करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम मुआवजे के लिए भी जो पूरी मदद करेंगे और दोषियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं यही मांग करता हूं प्रशासन से कि जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम यहीं धरने पे बैठे हैं, हम उठने वाले नहीं हैं। और अगर आगामी दिनों में इसके लिए बड़ा आंदोलन युवा ब्रह्मचक्ति मेवाड़ को करना पड़ेगा तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। युवा ब्रह्मचक्ति मेवाड़ के कार्यकर्ता इसके लिए कमर कस चुके हैं, तैयार बैठे हैं। हमें अगर प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, यह तय है। पूर्ण घटना जो घटी है इसमें जो भी दोषी है, जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रही बात इनकी मुआवजे की मांग है, तो नियमानुसार जो भी मुआवजा संभव है अधिकतम मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि एक माता की डेथ हुई, बच्चे की भी चिंता है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं बच्चों को और परिवार को, उन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स में शामिल कराने का पूरा प्रयास किया जाए। एक जो लापरवाही का आरोप है इनका परिजनों का, हॉस्पिटल यहाँ पर रही और वहाँ पर भी, उसमें क्या? दोनों में प्राइमा फेसाई, मैंने कहा कि अगर ऐसा पाया जाता है प्राइमा फेसाई तो वो सस्पेंशन के ऑर्डर निकलेंगे, डिटेल्ड जाँच के बाद पूरी कार्यवाही सुनिश्चित की। तो आपने देखा कि इस तरह से आरके जिला चिकित्सालय में ग्रामीण जमा है, परिजन जमा है और ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए और साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद यहाँ पर राजसमंद के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी एवं नाथद्वारा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऋषि सुधांशु पांडे यहाँ पर पहुँचे और आमेट के तहसीलदार भी यहाँ पर पहुँचे उदयलाल जी, राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव और कांकरोली थाना प्रभारी हनुमंत सिंह मय जाबते के यहाँ पर पहुँचे। ग्रामीणों से, परिजनों से व समाज के अन्य लोगों से समझाइश की गई। इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर व राजसमंद के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी ऋषि सुधांशु पांडे ने यहाँ पर पीएमओ के कक्ष में प्रतिनिधिमंडल की विशेष बैठक ली। उसमें उन्होंने समझाइश की, पीड़ित जो उनके महिला की जो मौत हुई है उनके पति अजय शर्मा से बातचीत की, उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन की तरफ से हर संभव उन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत खास तौर से आपको बता दें कि जोर निवासी राजकुमारी पत्नी अजय शर्मा की प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें आमेट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां पर उसे प्रसव हुआ। पति का यह आरोप है कि वहां पर पैसे नहीं देने की वजह से प्रसव कराने में लापरवाही बरती गई। खास तौर से कंपाउंडर ने ऐसा यह हस्तक्षेप किया है और चिकित्सक वहां पर गायनिक होते हुए भी अस्पताल में नहीं आया, जिसकी वजह से प्रसूता की मौत हुई है। इस गंभीर आरोप के बाद राजसमंद के उपखंड अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऋषि सुधांशु पांडे ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो दोषी हैं, अगर कंपाउंडर हो या चाहे कोई अन्य कर्मचारी या डॉक्टर, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार इसकी प्रारंभिक जांच करते हुए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे की जहाँ तक बात है उसको लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष और प्रधानमंत्री सहायता कोष से उचित मुआवजा दिलाने की भी उन्होंने आश्वासन दिया। और इसके साथ ही सभी लोग वहां से हट गए, आरके जिला चिकित्सालय के बाहर सभी धरने पर बैठ गए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इस दौरान CMHO बिंदल और आरके जिला चिकित्सालय के PMO डॉक्टर रमेश रजक भी यहाँ पर मौजूद थे इस मीटिंग के दौरान, और प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। खास तौर से सभी को यही आश्वासन दिया गया कि प्रशासन हर संभव इस पीड़ित परिवार के साथ है, सहयोग करेगा हमेशा। और इसके साथ ही सभी ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम करने पर रजामंद हो गए हैं। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। आने वाले वक्त में आरोपी जो कंपाउंडर, चिकित्सा अधिकारी या अन्य के खिलाफ प्रशासन द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है उसका भी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।